अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगी कि MBBS इन चाइना थ्रू स्कॉलरशिप होता कैसे, क्योंकि मेरा रिसेंटली एडमिशन हो साउथर्न मेडिकल यूनिवर्सिटी में। तो मैंने अपना ना एडमिशन नोटिस पोस्ट किया था फेसबुक में, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि किस तरह, क्या प्रोसीजर है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, कैसे एडमिशन हो सकता है। तो हर एक को डिफरेंटली मैसेज करके बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ठीक है, मैंने कोशिश भी की एक दो को समझाने की, बट बहुत ज़्यादा थे तो इसलिए मुझे समझाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो मैंने सोचा मैं एक वीडियो बनाऊँ ताकि मेरी वजह से आप सबकी हेल्प हो जाए, और अगर किसी एक का भी एडमिशन मेरी वजह से हो तो मुझे इस चीज़ में बहुत खुशी होगी। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि MBBS को चाइना में क्लिनिकल मेडिसिन कहते हैं। तो ये चीज़ ना, मतलब ये चीज़ बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। MBBS सेम, एग्जैक्टली सेम ही है क्लिनिकल मेडिसिन। ठीक है, बिल्कुल सेम है, क्योंकि बहुत से लोग समझते हैं कि डिफरेंट है, नहीं सेम है, बस जस्ट नेम का ही फ़र्क है। ठीक है, तो ये चीज़ सबसे पहले ये कन्फ्यूजन ख़त्म कर दे कि क्लिनिकल मेडिसिन कुछ और है और MBBS कुछ और है, सेम चीज़ है। दूसरी बात यह कि बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि MBBS स्कॉलरशिप नहीं मिलती चाइना से, वो ये CSC के थ्रू नहीं मिलती। बहुत से स्टूडेंट्स को ये लगता है, लेकिन मिलती है। ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर है मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये कि CSC के तीन कैटेगरीज है, सब मोस्टली को पता ही होगा कि ए कैटेगरी, ए बी एंड सी कैटेगरी। जो ए है वो एजेंसी के थ्रू होती है, कैटेगरी बी जो है उसका ये मेथड है कि आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी अप्लाई कर सकते हैं, और इन कैटेगरी सी जो है वो अदर मेथड है। तो मैं आपको कैटेगरी ए के बारे में बताऊंगी। तो हमने कैसे किधर से एजेंसी नंबर पुट करना है, तो वो सब कुछ ये कि पाकिस्तान में रह के आप कैसे कर सकते हैं। आप HEC का गूगल में सर्च करें, सर्च करने के बाद आप ऐसे करें कि HEC का वेबसाइट सर्च करके आप उधर मेंशन कर दें चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप। उधर आपको सब डिटेल, सब कुछ आपको इजीली अवेलेबल होगा। तो मैं आपको थोड़ा कुछ बता दूं कि है क्या, स्टार्ट कैसे करना। आप सर्च करेंगे तो रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपका FSC पूरा होना चाहिए। इस चीज़ के लिए MD CAT की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ये पूछ रहे थे क्या MD CAT रिक्वायर्ड है। तो MD CAT रिक्वायर्ड नहीं है, MD CAT बिल्कुल रिक्वायर्ड नहीं है। आपको इस चीज़ से आप साइट हो जाइए, अपना एक अलग टेस्ट लेते हैं। 20% इसका परसेंटेज लगती है, और 80% आपका FSC मैटर करता है। 80% FSC एंड 20% टेस्ट, और ये फिर आपका क्या बनेगा, मेरिट बनता है। फिर मेरिट में फिर आपको वो कंफर्मेशन देंगे कि आप लिस्ट में आ चुके हैं या आपका नंबर अच्छे आए, वो सब कुछ वो HEC में सब मेंशन कर देते बाद में। तो टेस्ट कैसे, किस चीज़ का होगा, ये FSC बेस्ड टेस्ट होता है, और टोटल 100 मार्क्स होते हैं। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश। ठीक है, सेम एज MD CAT। तो टेस्ट होगा बेसिक, फिर आपने बेसिकली HEC के वेबसाइट ओपन करनी है, और हाँ आपने रजिस्ट्रेशन फ़ी भी सबमिट करानी है। 500 फ़ी है। आप बैंक जाएंगे, बैंक अकाउंट नंबर मेंशन है HEC की वेबसाइट में, आप उधर HBL बैंक है, उधर आपने 500 फ़ी सबमिट करानी है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है अपनी। ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, और उसमें 500 जो आपने चालान सबमिट कराया वो भी पोर्टल में डाल देंगे। आपने HEC की वेबसाइट में भी अप्लाई करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है, और CSC की भी साइट में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी है। और ये याद रहे कि आपने कौन सा नंबर, कौन सा ईमेल डाला, एग्जैक्टली करेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट सही होना चाहिए, क्योंकि बाद में इशू बनते हैं अगर आपका ईमेल या एड्रेस या कुछ गलत हो। तो ये आप ध्यान से करिएगा, आप जो भी दोनों फॉर्म्स भर रहे हैं आप इस चीज़ को ध्यान से करिएगा सेव, और अपने जो भी कॉन्टैक्ट वगैरह, ईमेल एड्रेस सब कुछ एग्जैक्टली सेम डालिएगा। ठीक है, बाद में वरना आपको खुद ही इश्यूज होंगे। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सब कुछ हो जाएगा, वो सब कुछ दोनों साइट में करिएगा। और अब मैं बताऊंगी कि एडवर्टाइजमेंट आता कब है। एडवर्टाइजमेंट आता है लास्ट ईयर जो आया था दिसंबर में आता है, और जनवरी लास्ट ईयर 18 जनवरी उसकी डेडलाइन थी। ठीक है, तो दिसंबर में एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा, सबको पता चल जाएगा। मैं भी अगर मेरे पास, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी नेक्स्ट अगर हुआ तो। आप उधर से एडवर्टाइजमेंट से सारा कुछ, टेस्ट जब होता है, टेस्ट शायद जनवरी के लास्ट में टेस्ट होगा, और वीक बाद ही आपका रिज़ल्ट भी आ जाता है, रिज़ल्ट आ जाता है, और उसके बाद नॉमिनी लिस्ट लगती है, वो भी वेबसाइट में डाली जाती है। सो चाइनीज़ गवर्नमेंट आपका पूरा ख़र्चा उठाएगी यूनिवर्सिटी का। ठीक है, साथ साथ आपकी जो हॉस्टल एकोमोडेशन है और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी आपको प्रोवाइड करेगी, और उसके साथ साथ आपको 2500
युआन शायद चाइनीज़ करेंसी है, वो भी आपको मंथली देगी, और वो पाकिस्तान के अप्रोक्सीमेटली 60,000 रुपीज़ होते हैं। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर आप इस चीज़ को हासिल करें तो ये बहुत फ़ायदेमंद है। जो अगर MDCAT दे के जो पास हो चुका है तो वेल एंड गुड, और जो नहीं हो चुका या जो रिपीट करना चाहते हो वो एटलीस्ट इसमें भी अप्लाई करें, ताकि आपके पास सेकंड ऑप्शन हो, सेकंड चांस हो किसी और चीज़ के लिए। सो आज की वीडियो इतनी थी, अगर आपको अच्छी लगी और अगर आपको कोई बात नहीं समझ आई तो आप कमेंट पे मेंशन करें, ताकि मैं आपके शायद कमेंट में जो बात नहीं समझ आई मैं आपको कमेंट में बताऊंगी, सारी चीज़ें आप देखें। और क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी तो मुझे बनाने का सारा आइडिया सही से नहीं था, तो अगर कोई गलती हुई है तो उस चीज़ के लिए भी सॉरी। और आप आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।